खाने में पापड़ किसे नहीं पसंद, डिनर में या लंच में। आज हम पेट पूजा में बनाने जा रहे हैं स्टार्टर्स में बनाया हुआ ये पापड़, जिसे कहते हैं पनीर पापड़ की ये फिंगर्स। तो चलिए बनाते हैं आज ये रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। सबसे पहले हम लेंगे सींग भुजिया, ये रेडीमेड है, तो इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेते हैं और एक कोर्स पेस्ट में बना कर लेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए ददरा पीसकर हमने लिया है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ में हमने पनीर लिया है, तो ये पनीर मैंने इस तरह से काटा है और इसमें ये जो मूंगफली की जो हमने पाउडर बना के लिए थे उसे हमें इसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रखना है रेफ्रिजरेटर में लगभग एक घंटे के लिए। तो एक घंटे के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। चलिए अब लेते हैं हम पापड़। यहाँ पे मैंने चार पापड़ लिए हैं, आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाला पापड़ लिया है और थोड़ा पानी भी साथ में लिया है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पापड़ लेके इसे हमें थोड़ा गीला करके लेना है कुछ इस तरह। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और पूरे पापड़ की ओर हम इस तरह से घुमाएंगे। साइड से भी हमें इसे अच्छे से कोट करके लेना है पानी में। ये देखिए ये बनकर रेडी है। अब इसमें एक पनीर का पीस हम डालेंगे और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। रोल करके हो जाए, जो साइड से है इस तरह से हमें ट्विस्ट करके लेना है। ये देखिए ये जब ये गीला हो तभी इसे करके लेना है, ताकि आसानी से आपका ये फिंगर बनकर रेडी हो जाए। इस तरह से हमने बाकी के भी जो फिंगर्स है वो रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। बस लगभग 30 सेकेंड में ये फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी सा ये फ्राई बनकर रेडी हो जाता है। पनीर पापड़ का फिंगर्स ज़रूर आपके स्टार्टर्स में बनाइएगा और दिल से खाइएगा। ये देखिए इसे एक टिश्यू पेपर में हम निकाल कर ले लेते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, कुरकुरा सा ये स्टार्टर, सभी को पसंद आएगा। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पनीर अच्छे से इसमें इंटैक्ट है और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट और बाहर से कुरकुरा। ये स्टार्टर को तो कोई मना ही नहीं कर पाएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा। और पेट पूजा के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।